अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आजसू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। सिली से सुदेश महतो और रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, गुमला से लंबोदर महतो, जुगसलाई से रामचंद्र सहित मांडू से निर्मल महतो, ईचागढ़ से हरिलाल महतो, पाकुड़ से अजहर इस्लाम उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रांची से। नैयर इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नैयर, इंतजार खत्म हुआ उम्मीदवारों के नाम का, आजसू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी बिल्कुल, देखिए आजसू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। हालांकि इस प्रत्याशी घोषणा होने से पहले और सीट जो शेयरिंग की घोषणा होने से पहले काफी उथल पुथल रहा है झारखंड में बीजेपी और आजसू को लेकर। हालांकि हेमंत बिस्वा ने बंद कमरे में बैठकर सब चीज सुलझा लिया और सुदेश महतो के साथ और संयुक्त प्रेस वार्ता कर सीट भी बंटवारा कर दी। हालांकि आजसू की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया है और सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और जो आजसू के जो सुप्रीमो है जो महतो है महतो और साथ ही साथ जो रामगढ़ जो है उसमें राम जो सांसद है उनकी पत्नी लड़ेगी। हालांकि कोई ज्यादा बड़ा फेर बदल आसू में नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ लोहरदगा सीट में चेंज किया गया है और जैसा जिस तरह चुनाव आसू लड़ती है उसी तरह अपना प्रत्याशी को विश्वास किया है और 10 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ रही है। लेकिन पहला जो प्रत्याशी को जो घोषणा की है वो होना ही था क्योंकि इसमें कोई अड़चन नहीं थी इस प्रत्याशी की घोषणा में कि कौन कहाँ से लड़ेगा पहले से तय थी। इसीलिए सीटों की जो मांग थी सुप्रीमो आसू की सुदेश महतो का उनका सादा का साफ था वो 10 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। हालांकि बीजेपी ने भी कोई नानुकूर नहीं किया, उन्होंने 10 सीट दी है और विश्वास जताया है आसू के साथ कि वो सीट इस बार बीजेपी के साथ रहकर सीट को बढ़ाएगी। अब देखने वाली यह बात होगी कि चुनाव के बाद आसू बीजेपी को कितनी सीट देती, लेकिन इतना तय है कि आसू के द्वारा जो उनके जो जमीनी कार्यकर्ता है जो गांव में उसके जो कार्यकर्ता है काफी मजबूत है और काफी जो झारखंड जब से बनी है वो बीजेपी के साथ कई बार मिलकर सरकार भी बना चुकी है। अब देखने वाली यह बात होगी कि इस बार आसू बीजेपी को कितने सीट देती है और कितने विपक्ष को सत्ता पक्ष को कितना परेशान करती है। सिका बिल्कुल नहीं यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।